दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जो कि काफी अच्छा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब ये अच्छा क्यों है? तो सबसे पहली बात, यहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी आपसे कुछ कमीशन चार्ज करती है, उसी को एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो यहां पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.20% का आपका एक्सपेंस रेशियो है। जनरली एक्सपेंस रेशियो जो म्यूचुअल फंड का देखा जाता है वो हो सकता है 1% का होता है, 2% का होता है, या तो कम भी होता है, बट यहां पे आपका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। दूसरी बात ये है कि यहां पे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्ट तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को मैनेज करेंगे, तो यहां पे आपका रिस्क जो है वो और भी कम हो जाता है। और इसके अलावा यहां पे बेनिफिट ये है कि आप जो इंडिया के टॉप कंपनीज है, यानी कि इंडिया का जो टॉप 50 कंपनी है, आप उसके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, L&T हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, तो इस तरीके के कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि इंडिया का जो 50 कंपनी है जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, तो यहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो यहां पे चांसेस काफी कम है रिस्क के, तो यहां पे आपका रिस्क और भी कम हो जाता है। उसके अलावा यहां पे आपका जो पैसा है वो डिफरेंट कंपनी में लगता है, 50 कंपनी में, तो अगर एकाध कंपनी में कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां पे लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे आप 12 से 15% का रिटर्न डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं। तो आज हम जिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है UTI इंडेक्स फंड। एंड यहां पे जब भी आप कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको दो तरीके का ऑप्शन मिलता है, एक होता है डायरेक्ट प्लान, दूसरा होता है रेगुलर प्लान। तो यहां पे आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहां पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, और यहां पे हम इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या नाम है हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान का? तो इसका नाम है UTI इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो यहां पे हम सबसे पहला इस प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम इस प्लान के 1 साल का 2 साल का 3 साल का और 5 साल का जो भी इसका रिटर्न्स है उसको भी देखेंगे। एंड यहां पे एट द एंड हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जहां पे हम सिंपली एक एग्जांपल से कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आपको साल का 12% का CAGR मिलता है तो यहां पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका कितना पैसा बन सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहां पे हम सबसे पहले UTI निफ्टी इंडेक्स फंड के बेसिक फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फंड मैनेजर की बात कर लूं जो आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं, उनका नाम है श्रवण कुमार गोयल। ये लोग बेसिकली प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, इनका काम ही होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। तो पब्लिक के बिहाफ पे ये लोग स्टॉक को खरीदते बेचते हैं, यानी उसके बदले में आपसे थोड़ा सा चार्जेस चार्ज करते हैं, जिसको एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो ये काफी प्रोफेशनल फंड मैनेजर है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर लूं तो जो अभी करंट एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.21%। ये फ्यूचर में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो आपका नॉर्मल रहेगा एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड प्लान। उसके अलावा यहां पे अगर मैं मिनिमम 1 टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं तो यहां पे अगर आपको लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम यहां पे आपको 5,000 रुपए एक साथ में इन्वेस्ट करना होगा। और अगर मैं मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं तो यहां पे 5,000 रुपए अगर आपने एक बार लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप चाहे तो कभी भी आपको लमसम में पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहां पे आप 1,000 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पे अगर मैं मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट की बात कर लूं, यानी कि अगर आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहां पे आप 500 रुपए से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहां पे एडवाइजेबल भी यही होता है कि आपको SIP मोड के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? तो यहां पे अगर आप हर महीने महीने पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे फ्यूचर में कभी मार्केट बढ़ेगा, कभी मार्केट कम होगा, तो यहां पे आप हर एक प्राइस के ऊपर इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाएगा। एंड यहां पे फ्यूचर में कभी मार्केट ज्यादा डिप जाता है, फॉर एग्जांपल अभी रशिया और यूक्रेन का जो झगड़ा चल रहा था, वॉर चल रहा था, उसके वजह से मार्केट डिप में था, तो यहां पे अगर आपको चीजें समझती है तो आप चाहे तो लमसम में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे नॉर्मली आपको SIP मोड के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड फ्यूचर में कभी भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी लगता है कि मार्केट डाउन गया है एंड फ्यूचर में नॉर्मली मार्केट अप चले जाएगा, तो उस टाइम पे आप SIP के साथ में लमसम में भी कुछ
पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको SIP मोड के थ्रू तो पैसा इन्वेस्ट करते ही रहना चाहिए। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट गोल है 5 साल 7 साल 10 साल का, उतने समय तक। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं लॉक इन पीरियड की बात कर लूँ तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप चाहे तो पैसा इन्वेस्ट करने के 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि कम से कम 5 साल एंड उससे ज़्यादा समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं एग्जिट लोड की बात कर लूँ, यानी कि जब आप अपने म्यूचुअल फंड से बाहर निकलेंगे, अपने एग्जिट करेंगे म्यूचुअल फंड को, तब यहाँ पे कितना चार्जेस लगेगा, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। और यहाँ पे टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे एज ऑन 28 फरवरी 2022 को कंपनी कितने पैसे मैनेज कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी सारे इन्वेस्टर्स का मिला के तकरीबन 6,134 करोड़ रुपीज मैनेज कर रही है, जो कि एक रीजनेबल अमाउंट है। यहाँ पे अब हम इस म्यूचुअल फंड प्लान के एनुअलाइज रिटर्न्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एज ऑन 23 मार्च 2022। तो यहाँ पे अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 23 मार्च 2021 के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पे एक साल में अगर आपने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया होता, यानी कि एक साथ में 1 लाख 2 लाख या तो 5,000 या तो 10,000, तो यहाँ पे आपको एक साल में 17.46% के अराउंड का रिटर्न्स मिलता। और वहीं अगर आप SIP के जरिए हर महीने महीने पैसा इन्वेस्ट करते, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि SIP के जरिए आप चाहे तो मंथली भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली, तो इस तरीके से भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको मंथली ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप SIP के जरिए मंथली पैसा इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे आपको 11.32% के अराउंड का रिटर्न्स मिल जाता। और वहीं अगर आप 23 मार्च 2020 को पैसा इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे 2 साल के अंदर कितना रिटर्न्स आपका बन जाता, तो यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट में 51.77% का रिटर्न्स आपको मिल जाता। और वहीं SIP के जरिए 29.88% के अराउंड का रिटर्न्स आपको मिल जाता। और वहीं अगर आप 22 मार्च 2019 में पैसा इन्वेस्ट किए होते तो यहाँ पे 3 साल के अंदर आपको कितना रिटर्न्स मिलता, तो यहाँ पे अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते तो 15.57% का। और वहीं पे अगर आप SIP के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते तो यहाँ पे आपको 22.23% का रिटर्न्स मिल जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में SIP का जो रिटर्न्स है वो बढ़ते जा रहा है। और वहीं पे अगर आपने 2017 में पैसा इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे 5 साल के अंदर SIP जो लमसम का रिटर्न्स है वो है 14.75% एंड जो SIP का रिटर्न्स है वो है 16.91%। आपको किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे एडवाइजेबल है कि आपको हर महीने महीने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और कभी आपको लगा कि मार्केट गिरा है, अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे SIP के साथ में आप कुछ पैसा चाहे तो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन SIP को कंटिन्यू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से SIP के कैलकुलेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बन सकता है। तो उसके लिए जो रिटर्न्स है उसको हम कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको शॉर्ट में CAGR कहा जाता है, उसको सारे ही सिचुएशंस में हम 12% मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपको साल का 12% का रिटर्न्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो एक्चुअल रिटर्न्स है वो 12% से ज़्यादा भी हो सकता है या तो उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिस्क होता है कि फंड मैनेजर ने आपके लिए कौन से स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, एंड यहाँ पे उस स्टॉक ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, उसके हिसाब से आपका साल का रिटर्न्स बनता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली 12% का रिटर्न्स मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 6 लाख रुपीज़। एंड इसके सामने में 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो पैसा बनेगा टोटल वो बनेगा 8,24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 8,24,000 रुपीज़ के अराउंड में बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको 5 साल के अंदर 2,24,000 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर महीने 10 साल तक करते हैं तो यहाँ पे 10 साल के अंदर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 12 लाख रुपया। और उसके सामने में आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 23,23,391 रुपीज़ के अराउंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जितने लंबे समय तक पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे यहाँ पे आप उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी तरीके से आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा आपका बनेगा 5 साल के अंदर, वहीं अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना बनेगा, और यहाँ पे अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए तब कितना पैसा बनेगा, और यहाँ पे अगर आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे 10 साल के लिए तब कितना पैसा बनेगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा एंड उसके सामने में यहाँ पे आपका रिटर्न्स कितना होगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितना यहाँ पे आपका होगा। ये सारा चीज़ों को आप सिंपली इजिली देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप चाहे तो इस चीज़ को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अमाउंट फिल करना है, कितना साल का रिटर्न्स है वो डालना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगा।
यहां पे अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आप ये म्यूचुअल फंड में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपके पास में किसी कंपनी का डीमैट अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपके पास में आप स्टॉक का, या तो जीरोधा का, या तो एंजल वन, या तो कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है, तो यहां पे आप चाहे तो उनके डीमैट अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली अपस्टॉक का जो डीमैट अकाउंट का लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पर अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो यहां पर सिंपली आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके चाहे तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में या तो म्यूचुअल फंड में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास में यह है कि आप जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं डायरेक्टली उनके वेबसाइट के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे केसेस में यूटीआई में, तो आप चाहे तो यूटीआई का जो वेबसाइट है आप उनके वेबसाइट के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहां पे अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, अगर आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, एवरेज रिस्क लेना चाहते हैं, तो निफ्टी इंडेक्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर अगर आप 5 साल या तो उससे ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे तभी पैसा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज पैसा इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आपको यहां पे लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहां पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।